दोस्तों, आज मैं आपको डू व्हाइल और डू अनटिल के बारे में बताऊंगा। डू व्हाइल और डू अनटिल कैसे काम करता है और कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले फाइल पे आ जाते हैं। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे विजुअल बेसिक में विंडोज फॉर्म ऐप, और यहाँ पे लिख लेते हैं डू व्हाइल अनटिल, एंटर। ओके, हम लोग यहाँ पे काउंटर ऐप बना लेते हैं जो कि 10 सेकेंड्स तक रन होती है। तो काउंटर ऐप के लिए लेबल की ज़रूरत होगी। लेबल यहाँ ड्रॉप कर देते हैं, और एक बटन की ज़रूरत होगी। बटन यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। लेबल का टेक्स्ट एम्प्टी कर देते हैं, और यहाँ पे नेम, लेबल नेम, LBLCD, और यहाँ बटन का टेक्स्ट, बटन का नेम BTN क्लिक, और बटन टेक्स्ट क्लिक। अब यहाँ बटन पे डबल क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आने के बाद एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं आई के नाम का, DIM IS इंटीजर, और उसको इनिशियलाइज करा देते हैं 0 से। डू व्हाइल लूप लगाते हैं, डू लूप, और लूप के बाद यहाँ पे व्हाइल, व्हाइल के बाद यहाँ पे कंडीशन आती है। मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ i<10। जब तक i 10 से कम है ये लूप चलेगा, जैसे ही 10 पे आएगा वैसे ये लूप से जंप कर जाएगा। अब जो लेबल लिया था LBLCT के नाम का, उसका टेक्स्ट अपडेट कर देते हैं। ये आई इंटीजर है और लेबल जो है वो स्ट्रिंग लेता है, उसका टेक्स्ट स्ट्रिंग लेता है, तो इसलिए इंटीजर को जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा CSTR के थ्रू, CSTR, और यहाँ पे आई पास कर देंगे। LBLCT को रिफ्रेश कर लेते हैं, LBLCT.refresh, क्योंकि हम लोग काउंटर से आ रहे हैं इसलिए हम लोग को कुछ टाइम का डिले चाहिए होगा। तो डिले के लिए थ्रेडिंग डॉट थ्रेड डॉट स्लीप, स्लीप का मेथड जो है इनपुट ये मिली सेकेंड्स में लेता है, तो 1000 मिली सेकेंड्स इक्वल टू 1 सेकेंड, अगर 2 सेकेंड का चाहिए हो तो 2000 इसमें इनपुट करेंगे, और यहाँ पे आई इक्वल टू i+1। इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखें 9 पे आके रुक गया, 10 जैसे ही आया होगा ये लूप से बाहर आ गया। अब अगर इसी को अंटिल पे करें, तो अंटिल के लिए क्या है कि व्हाइल में जब तक ये कंडीशन ट्रू है जब तक ये रन होगा अंदर, वरना जंप कर जाएगा। अंटिल में जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी वैसे ये जंप कर जाएगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी जब तक ये चलता रहेगा। आई जब तक 10 हो नहीं होगा जब तक ये चलता रहेगा, 10 जैसे होगा ये जंप कर जाएगा। स्टार्ट करके देख लेते हैं, क्लिक, आज हम लोगों ने डू व्हाइल और डू अनटिल को देखा कि कैसे काम करता है और इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है।